किस कॉलेज के छात्र हैं आपको इनका इनके इनका मनोबल बढ़ाओ, इनके साथ बैठो, एक दिन ऐसे भूखे रह के देखो ना। मैं भी ऐसी पढ़ा था तो यहाँ पे कोई देखने नहीं आया। आज हमारे कॉलेज की ऐसी पढ़ाई कहाँ पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ डायरीज में। और एक बार फिर से मैं आ गया हूँ MBPG कॉलेज के बाहर, और यहाँ पे पिछले दो दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल चल रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखाता हूँ। अभी आज के दिन रक्षित बिष्ट जी की भूख हड़ताल चल रही है, जो अध्यक्ष के प्रत्याशी है, और ख़बर आ रही है कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो चुकी है। तो अंदर जाके सीधी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और बात कुछ इस टाइप से है कि उनकी तबीयत ख़राब है और छात्र लोग प्राचार्य कक्ष में घिराव कर रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं आई है, कोई भी मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। तो चलिए अंदर जाके पूरी तस्वीरें देखते हैं, और मैटर पूरा इलेक्शन से रिलेटेड है। आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए अंदर जाके आप लोगों को अभी की क्या सीन है दिखाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ जैसे कि रक्षित बिष्ट की तबीयत बहुत ख़राब है अभी, तो प्राचार्य कक्ष में जो भी छात्र नेता है वो बात कर रहे हैं प्राचार्य जी से कि एम्बुलेंस को जल्द से जल्द बुलाया जाए, और जो भी कंडीशन है उनकी तबीयत में सुधार आने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए, और डॉक्टर का चेकअप कराना अनिवार्य हो गया है, चेकअप कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो बने रहिए, क्या होता है आप देखिए। मेन मुद्दा ये है कि जो छात्र लोग हैं उन्होंने सुबह बोल रखा था प्राचार्य जी से कि मेडिकल की 24 घंटे व्यवस्था हम लोगों चाहिए, ज्ञापन भी दिया था जैसा उनका कहना है, और लेकिन इनकी मांगों में कोई भी सुनवाई हुई नहीं। तो अच्छा ठीक, तो छात्र सारे आक्रोशित होके आ गए हैं प्राचार्य कक्ष में, और यहाँ प्राचार्य कक्ष द्वारा प्राचार्य जी द्वारा मिलाया जा रहा है हॉस्पिटल में फोन। तो देखिए आप, मैं भी ऐसी पढ़ा था तो यहाँ पे कोई देखने नहीं आया। आज हमारे कॉलेज की ऐसी पढ़ाई कहाँ पड़ता है। जब ये मर जाएगा यहाँ पे देखने आएंगे तब सब लोग यहाँ पे, मैं एक एम्बुलेंस खड़ी नहीं यहाँ पे कोई खड़ा, कल से ऐसी भेड़ा बड़ा भूखा प्रचार। दीपावली के बाद कॉलेज खुलेंगे, आपकी चुनाव की तिथि आ जाएगी, कॉलेज खुला उस दिन भी कोई चुनाव की तिथि कुछ घोषणा नहीं हुई। हमने एक लेटर भी दिया उस दिन, हमने सर को 4 घंटे का अल्टीमेट दिया था कि सर अगर 4 घंटे तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं होती है हम अनशन में भूख हड़ताल में चले जाएंगे। सबसे पहले मैं भूख हड़ताल में गया था, उसके बाद भी इनकी ना मेडिकल टीम आई ना कॉलेज का प्रशासन है यहाँ पे देखने। मैं ऐसे ही पढ़ा था जैसे रक्षित बिष्ट पढ़ा, मैं भी ऐसे ही पढ़ा था कोई देखने नहीं आया। लास्ट में जब मेरी कल सीरियस दादी तबियत खराब हो गई थी, सब मेरे साथ वाले उठा के ले गए हॉस्पिटल। ना मेडिकल की टीम आ रही, ना पुलिस की, ना कॉलेज के प्राचार्य जी देखने आ रहे। आप कर क्या रहे हो? पहले मेरी बात सुनिए, पहले आप उस छात्र की, वो क्या पढ़ाया है, वो इस कॉलेज का छात्र है, उसके साथ आप क्यों उसके साथ हो गए? तो गुरुदेव आप तो इसी कमरे में बैठो, आप तो इसी कमरे में बैठो, तुम्हें तो देखना है एक बार भी। कुछ होने के बाद भी अभी भी अपनी चेयर में बैठो, पर आपको यह नहीं है कि मैं उस छात्र को जा रहा हूँ, आप उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो? आप उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो? बंद करो इसी, भले इसी बात करो, बात करो उसे, ये छात्र तोड़ रहे हैं, ये तुम्हारी समाज को बना रहे हैं। वो छात्र आपका है, वो हमारा नहीं, पहले आपका छात्र है। ये किसलिए है? छात्र छात्रों के लिए कॉलेज, ये तुम्हारे। जब 2 बजे रात को पुलिस आ सकती है 5 मिनट में। तो प्रिंसिपल साहब भी आ चुके हैं छात्र रक्षित बिष्ट की हालत देखने के लिए। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, बने रहिए वीडियो में आप। मुझे ये देखो तो मरा हुआ पड़ा, कब आएगी आपकी टीम? होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना। गुरुदेव 5 मिनट अगर तसल्ली से यहाँ बैठ जाओगे ना, छात्र छात्रों की समस्या सुनोगे ना, क्यों बैठे हैं? आपको कुछ फर्क पड़ा है इससे? कितना आप क्या चाह रहे हो? उसमें शासन को पहुंच चुकी है,
पहुँचे, ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी आप हमें मत समझाओ, ये कॉलेज के ना हम भी इसी कॉलेज के छात्र हैं, आप ये मत समझाओ कि कहाँ से होना कहाँ जाए। इनने इस मामले को कितना संवेदनशील तरीके से लिया है ये बताओ आप मुझे, क्या गंभीरता से ये चीजें कर रहे हैं। जो आप देते गए सब भिजवाते गए। अरे बकायदा आपको बताया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, अब ऊपर वाले नहीं सुन रहे तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। बैठो इनके साथ, आप छात्र के साथ बैठो, इनका मनोबल बढ़ाओ। ये आपके ये आपके तो बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? ये इस कॉलेज के छात्र हैं, ये इस कॉलेज के छात्र हैं। पहली बात सुनो आप, ये आपको इनका इनके इनका मनोबल बढ़ाओ, इनके साथ बैठो, एक दिन ऐसे भूखे रह के देखो ना। अभी जो समझा रहे हो ना, ये चिट्ठी ये लेटर भेज दिया ये मत बताओ हमें, आका को बताना है। ये चीजें हमने बहुत की है, हम ये इस कॉलेज से आंदोलन करके यहाँ निकले। मेडिकल टीम है, मेडिकल टीम है, हमने जब वहाँ इंफॉर्म कर दिया वो तो आएगी ना। देखिए तुम इस कॉलेज को पुलिस चौकी घोषित कर दो, थाना घोषित कर दो, पर इस कॉलेज को चलाने में असमर्थ हो, असमर्थ हो, अभी भी कह रहा हूँ असमर्थ हो। एक मांग और करनी चाहिए, अगर हम इस्तीफा की मांग करनी चाहिए प्रचार मोदी की, सबसे पहली मांग करो। अगर इसमें किसी को कुछ हो जाता है तो आप लोग जिम्मेदार हो, सिर्फ आप लोग, और कोई जिम्मेदार नहीं। छात्र संघ अध्यक्ष का दावेदार है और कई दिनों से आंदोलन में बैठा है, पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई इनके लिए ना कोई देख रेख के लिए कोई व्यक्ति खड़ा किया गया। 7-8 दिन से आंदोलन में बैठे हैं, दीपावली चले गई चीजें चले गई, बट यहाँ पे हमेशा मैंने देखा गया कि कॉलेज प्रशासन की जगह पुलिस प्रशासन यहाँ पे बैठा है। हम यही चाहते हैं कि इस चीज की मांगे हो, और अभी अभी तो प्रथम वो है कि कॉलेज ये रक्षित विश्व इसी कॉलेज का छात्र है, अगर इसी को कुछ हो जाएगा तो ये कॉलेज प्रशासन प्रचार मोदी आएंगे। अरे कॉलेज प्रशासन प्रचार मोदी आएंगे, अंदर ही होती है जानबूझ के जानकारी में नहीं रखना चाह रहा के बाद एक मेडिकल टीम खड़ी रहनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, ये आप ही का छात्र है, ये कोई सोते सोतेला बर्ताव मत करो, ये तो इसे लेके जाओ, इसे ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। काम करने ना चार मिनट ले लो, उसके बाद करते रहोगे सारों पे काम, जब कुर्सी में बैठे हो तो कुर्सी के हिसाब से काम करो। जब आपने मैजिस्ट्रेट को दे रखी है, मैजिस्ट्रेट को आज यहाँ पर बुलाओ, मैजिस्ट्रेट को उठेगा नहीं जब तक जिला मजिस्ट्रेट नहीं आकर उठेगा, ऐसे पड़े रह गए। प्रचार मोदी जाएंगे। तो अब एम्बुलेंस पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब द्वारा रक्षित विष्ट का बॉडी चेकअप करा जा रहा है, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखिए। नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इस मैटर में जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को देते रहूँगा, और आगे क्या चलता है, क्या सुनवाई होती है, गवर्नमेंट के क्या स्टेप रहते हैं आगे, क्या इनकी रिमांड मानी जाएगी, पूरा आप लोगों को पता चलेगा। वीडियो में बने रहिए। तो अब अध्यक्ष प्रत्याशी रक्षित बिष्ट को ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस के द्वारा सीधे मेडिकल बेस हॉस्पिटल में, हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में, वहाँ उनका इलाज चलेगा। और यहाँ इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, आज इनका अनशन चल रहा था, भूख हड़ताल चल रही थी पिछले 2 दिन से, और यहाँ प्रिंसिपल महोदय भी उनके साथ जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे रिकवर कितनी देर में होते हैं, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। ये देखिए एम्बुलेंस अब निकलने वाली है, अब कुछ ही देर में एम्बुलेंस चले जाएगी, और यहाँ पे भीड़ एकत्रित हो गई है, बहुत लोग आ गए हैं, और देखते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना जो भी रिव्यू है। फ़िलहाल तो अभी ये कंडीशन ये है, ये अनशन में बैठे हुए छात्र बीमार पड़ रहे हैं, अब सरकार का क्या रहेगा रवैया, इनकी डिमांड कब तक। तो आज हल्द्वानी के MBBG महाविद्यालय में जो कुछ भी घटनाक्रम घटा मैंने आप लोगों को दिखाया, छात्र भूख हड़ताल में बैठा था और उसकी हालत ख़राब हो गई, फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में ले गई, प्रचारक कक्ष में घिराव हुआ। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली अपडेट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।